जाओ 3 2 1 गो। ओ ओ भाई क्या बना दिया भाई। सच्ची बात तेरी यादों का सहारा है, दूर मैं रहूं कैसे मुझे सबर नहीं। कहाँ की तैयारी हो रही सर? बिजी सर, बहुत ही बिजी। डांस फेमस हो गया है तो नोनू का स्टेप था तूने? ये मेरा है। तो हम जा रहे हैं अपना नया घर देखने। बहुत समय बाद बहुत ऐसा हो गया कि मैं को ना फोमो हो गया। फोमो क्यों हो गया है? फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, क्या मिसिंग आउट? मम्मी नया घर जाती रहती है, पापा नया घर जाते रहते हैं, नोनू नया घर जाते रहता है, मैं वहां जा नहीं रहा, तो मैं मेरे को दिख नहीं रहा वो कैसा है। वीडियो में देख के पता चल रहा है कि कैसा है, और अगर मैं नहीं गया तो कल को ये बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर तो नोनू का हो गया। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं गया था घर। तो मैंने कहा मैं भी जाके थोड़ा अकेला जा रहा है, अपने एक दो दोस्तों को लेके जा रहा हूं। नोनू तो मेरे साथ गया था, तू भी मेरे साथ जा। मम्मी मैं आपको ले तो जाता, बट एक्चुअली मेरे दोस्त भी मेरे साथ जा रहे हैं और हमारे को थोड़ा काम आगे और है, नहीं तो मैं आपको ले जाता। मेरे साथ तो कहीं नहीं जाता। आपके साथ मैं जाऊंगा मम्मी, ग्रीस, सेंटोरिनी, यहाँ तक तो जाता नहीं है, यहाँ घर से वहाँ दूसरे घर जा रहा है, वहां तक तो जाता नहीं मेरे साथ। वो तो मेरा प्यार है, चलने को मैं आपको ले चलूं, पर इतने सारे अच्छे अच्छे बेकार लड़के, अच्छे अच्छे बेकार लड़के, वो फिर क्या आप उनके साथ टाइम पास नहीं हो पाएगा मम्मी। तो तू है ना टाइम पास करने को, मैं खुद किसी की सवारी बन के जा रहा हूँ। चलो ना कि गाड़ी नहीं लेके जा रहा, गाड़ी नहीं लेके जा रहा ना, नहीं तो ले चलता। लाला साहब मैं अपने नए घर जा रहा हूँ ना, मतलब के तो अपने घर ना आए तो तू वहाँ जा रहे तो कोई ना कोई मतलब से जा रहा है। ये तो सही बोला। He has a point. जो point है वो मैं आपको बता नहीं सकता, but he has a point. कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। Okay, बाप, I love you too. मुझे मेरे घर में ये एंट्री नहीं मिल रही थी, उन्होंने लिस्ट चेक करी, कह रहा हमने तो आपको कभी यहाँ देखा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं देखा तो मैं आया भी नहीं कभी, तो देखा नहीं होगा, एक दो बार ही आया था। बट फिर उन्होंने बोला कि अब हम लिस्ट अपडेट करेंगे और पापा से बात करा कि हमने एंट्री ले ली है। मालिक का नाम नहीं पता, ठेकेदार का नाम कह रहा है। सही में कह रहा भाई ठेकेदार कौन काम कर रहे हैं? मैंने कहा यार मेरे को नहीं पता यार। फिर चलो जो भी, अब हम पहुंच गए और ये देखो, ओहो दुबई में एंट्री हो रही है। मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं था जो तू तो इतना शर्मा गया। मेरा भी कैमरा ऑन था, मैंने बंद कर दिया। लेट्स गो गाइस, आज अपने घर पे जा रहा हूँ, हाउस टूर। मैं बहुत मेहनत करी अपने बनाने में। गाइस फाइनली आई एम एंटरिंग माय हाउस। अरे बंद करो कैमरामैन, जल्दी फोकस करो, देखो कौन आया घर पे। ओहो ओहो हो, वाओ, आई लाइक इट। रियाज भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ये तो आई लव इट। तो गाइज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये भैया स्टेज क्यों बनाया आपने? यहाँ पे टीवी लगनी है। अच्छा, इस साइड में सोफा हमारा पड़ना है, ठीक है, उतर के। तो पर एक बात बताओ, आप चाहते हो कि मैं इससे ऊपर चढ़ूं? बिल्कुल, ठीक है, और फिर नीचे उतरूं? नहीं नहीं इससे उतरूं। अच्छा वापसी वापसी करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा, देखो गाइज मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, अब ये मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अब ये सोफा है, अब ये सोफा आ गया। तो अब मुझे बताओ मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं आया? मेरा पॉइंट समझे आप? यहाँ पे बंद है ये रास्ता, यहाँ तो ये नीचे जाना चाहिए था। ये बंद है, 3 फुट सोफा इससे कनेक्ट होगा भाई। नहीं नहीं ये 3 फुट जगह छूटी है। मेरे थोड़ा समझ नहीं आया। 3D दिखाओ, हाँ भाई 3D देख लेते हैं। और भाई ये देखो ये बैक एरिया, बट ये सारी चीजें तो तुमने हमारे पहले व्लॉग में देख ली थी। आज मैं देख रहा हूँ अपना रूम, मुझे कौन सा रूम मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर? हद सर कैसा लग रहा है घर? भाई बहुत प्यारा लग रहा है, और स्पेशली ये एरिया, सिटिंग एरिया, चिल एरिया। यहाँ पर देखो तुम्हें अब 3D समझना, हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और अंदर चले जाएंगे और बैठ जाएंगे सोफे पे। तो मतलब सोफे पे बैठने के लिए तुम्हारे को स्टेज चढ़ना पड़ेगा। घर में ही भूल भुलैया खेलेंगे हम,
समझ लो, ये बना, ये घर पता क्यों बना रहे हैं, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। I hid in my house for 24 hours. ये basically क्या होगा, ये तुम्हारे खुद के private show के लिए, तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हारी singing सुनना चाहे तो तुम्हें stage भी दे दी है, audience की वो भी दे दी, अपना show करो। और यहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा क्योंकि इतना चढ़ के आप थक गए होंगे पानी पिलाने के लिए। मुझे लगता है YouTube videos बना के तो तू थक ही चुका है। सुना भाई fly high तो सुना दे। भाई fly high। अरे यार भाई मेरे को दूसरे गाने से मत निकालो बस। Fly high तो गा दे। डैशबोर्ड चिपाई। अरे बस कर यार, कहीं भी शुरू हो जाता है यार। इसको इसको देख के मेरा वो मन करता है गाने का, जन्नत यहाँ। भाई क्या सेक्सी चीज बनाई यार। और वो देखो टेक्सचर जो वहाँ बना रखा है, नाइस। और भाई अभी मम्मी पापा का रूम तो देख, ये डिंपल्स किचन। ओ भाई डिम्पल्स किचन में तो प्रॉपर लिखा भी आएगा डिम्पल्स किचन, बहुत अच्छा। ओ भाई ये तो, और ये है सबसे बढ़िया चीज भाई साहब। क्या है भैया दिस इंटीरियर भाई, ये है सबसे गजब की चीज। वाओ। और ये भी भाई बढ़िया बढ़िया काम करा यार, मजा आ गया देख के। और ये मैं आ गया हूँ वॉकिंग वार्डरोब में। ओहो वार्डरोब देखो भाई वॉकिंग। ओ भाई साहब ये तो भूल भुलैया अंदर पूरा सेक्सी, आई लाइक इट। मजा आया भाई। आंटी की शिकायत थी कि बाथटब नहीं मिला उनको, जकूजी वो मेरे को मिला। ऊपर दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। चलो भैया ऊपर क्या दिखाना है आपने, आ जाओ। ओहो भैया दरवाजे भी बढ़िया हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। ओहो भाई साहब ये देख एरिया मजेदार, ये मेरा रूम, माय रूम। रुक जाओ, 3 2 1 गो। ओ ये चीज है जबरदस्त। ये गेमिंग रूम, गेमिंग रूम सबका, ये मेरा निश्चय का अलग। व्हाट, हाँ भाई ये मेरा अकेले का गेमिंग रूम होने वाला है। जो बदलता रहे म्यूजियम घोषित कर दो, गर्मी है। मैंने वैसे पता है मम्मी पापा को बोला था, मैं कहा रहते वही है और यहाँ ना हम इसको होटल घोषित कर देते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ सैटरडे संडे पार्टी करने आएंगे। ओहो वॉकिंग वार्डरोब, ओहो ये खुला और यहाँ पर तुम्हारे को मिला जकूजी। एक एक शावर बॉम्ब चीज लगाई है यहाँ पर भाई, जरा देख जकूजी देख अंदर कितना खुश है अक्सर। हाय यही देख, यही लेटूंगा। और अगर वीडियोस में इनफ लाइक नहीं आया ना, यहाँ आके चिल करूंगा भाई। लाइट भी देख पूरी छत मुंह पे लगाई है कि हा हा हा, यहाँ पर म्यूजिक वीडियो शूट करूंगा मैं। यार भाई मेरी खुशी कंट्रोल में नहीं रही, मैं तो सोच रहा हूँ आप खुशी शीशा देख रहे हो, ये भी यूट्यूब प्ले बटन की तरह, शीशा शीशा का वो देख। ओ भाई यूट्यूब प्ले बटन डायमंड देख रहे हो भाई, यही रहने का मन कर रहा था भाई। सही है यार, मैं भी अपना दिन शिफ्ट हो जाता हूँ। जब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा तो तुम सबको फ्री इनविटेशन, कभी आओ रहने। भाई फ्री आओ, कभी भी आओ रहने, कभी भी आओ। अंदर आपको अंदर घुसने में 10 मिनट लग गए थे, आपको पता नहीं कितनी देर लगेगी। मेरी तो एंट्री हुई नहीं थी घर में। ऐसे नहीं लग रहा भाई, फाउंटेन एकदम प्रॉपर स्पिरिचुअल टाइप। चलो चलो आ जाओ, ज्यादा बढ़ाइया मत करो भाई। पर I love this. वैसे अब तुम पूछ रहे हो ये किसका कमरा है, ये तो मैं बता दूं। मैं बता देता हूँ, ये जब तुम आओगे तो यहाँ पर, वैसे तुम गेस्ट नहीं फैमिली हो, बट फिर भी मैं बता दूं ये गेस्ट रूम है। चलेगा हाँ, तुम रह सकते हो। चलेगा घर क्यों जाएंगे वापसी, फिर हम यही रहेंगे तो फैमिली है तो, और ये रूम है तो घर कौन जाएगा वापसी। तीन अलमारियां भी है। हाँ हाँ वार्डरोब है, एक मैं कर रहा हूँ, दो है क्या, चार छोड़ो। किसी के वार्डरोब में कभी एसी देखा है? मेरा तो देख लिया कमरा, जो सपोजिटली मेरा ही है ये सारा, मेरा फ्लोर। अब निश्चय का फ्लोर देखते हैं। ओहो हो ये आ गए हम निश्चय के फ्लोर पे। वाओ भाई साहब ये तो सिर्फ गेस्ट रूम है भाई, ये निश्चय का रूम नहीं है, ये है निश्चय का रूम। ओहो ये निश्चय का गेमिंग रूम होगा, ये अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही अच्छा है निश्चय भाई। गाइस देखो
अभी ये ना अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ का व्यू। अरे पर निश्चय भाई का रूम बहुत अच्छा है ये वाला। अबे मेरा भी हो सकता है ये, कुछ नहीं पता। अभी ये बनेगा यार, मुझे लगा आपने नीचे वाला पैनल। टीवी पैनल ये तो रिवॉल्विंग है ना, रिवॉल्विंग टीवी पैनल। पर इसमें होगा क्या? टीवी देखो अभी तो ये ऐसा लग रहा है, बट ये ऐसा होने वाला है। तो ये वाला रूम भी बहुत सेक्सी होने वाला है। तो आई डोंट माइंड, निश्चय को जो चाहिए होगा। मैं तो छोटा भाई हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर ले लूंगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या है ना गाइस। ये रहा हमारा पूरा जिम होने वाला है, वो जो तू देख रहा है ना अंदर, मेरे चेहरे से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है क्या है यार। वो है एक बहुत ही अच्छा थिएटर, काफी बढ़िया यार भाई। मतलब टाइगर थ्री अपन इधर ही देखेंगे। अपन इधर देखो, पता लेटने का भी एरिया बना रहे हैं। ये पूरा यहाँ पर टीवी, पीछे दो कुर्सियां और रिक्लाइनर्स। ओहो, बढ़िया हो जाएगा भैया। भाई स्क्रीन कितने पे आएगी? इतने सालों की जो मेहनत है वो सारी उड़ा दी इस घर बनाने में। इट फील्स वेरी गुड। मैं तो वैसे इमोशनल आदमी हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, बट यस I love it. I love to see these things. ये मेहनत करी आप लोगों ने, प्यार दिया। I love you guys. Love you partner gang. और Triggered Army obviously, Wonders Fam, Dimples Kitchen, इतने सारे प्यारे हो यार। ये हमारा घर है, इसके अंदर का व्यू तुम्हारे को दिखा दिया है। इसके बाहर एक जैगुआर खड़ी होगी और एक बहुत ही अच्छी गाड़ी खड़ी होगी जो तुम्हारे को रिवील हो जाएगी बहुत ही जल्दी। पर वो गाड़ी ऐसी होगी कि ओ हो, तुम्हारे को स्वाद आ जाएगा। मैं हिंट दे दूं? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट अ वर्क, थैंक यू सो मच रिजवान भाई। थैंक यू। क्या काम करा है पूरा इंटीरियर तुमने, एक नंबर काम करा है। ठीक है सर, मजा आ गया। सारी टीम ने मिलके किया है सर, बहुत अच्छा काम करा है, मजा आ गया। बस अब फाइनल हैंडओवर कर दो चाबी, अब हम यहाँ शिफ्ट हो जाए। तसल्ली रखो, जब हम रोज यहाँ उठेंगे तो लोगों को कितना मजा आएगा हमारे को देखने में। ऑब्वियसली मुझे पता है तुम पुराना घर भी मिस करोगे, बट हम वो बेच नहीं रहे, हम कभी वहाँ आओगे कभी यहाँ आओगे। भाई यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी? भाई यहाँ चार। तुम्हारे पास ज्यादा तीन यहाँ लग जाएंगी और एक यहाँ खड़ी होगी, पार्किंग देर भी कम पड़ेगी, तो मतलब टोटल चार। और अभी हमारे पास है दो गाड़ी, तो दो और लेनी पड़ेंगी। लेनी पड़ेगी ये भी टेंशन है, लेनी पड़ेगी। सो गाइस आई एम जोकिंग। तेरे इश्क चेचना साथ चलन, तेरे प्यार दिया।